सार्वजनिक नव दुर्गा उत्सव एवं दशहरा समिति स्मृति नगर के बैनर तले स्मृति नगर में पिछले 10 दिनों से नवरात्रि पर्व के मद्देनजर महिलाओं को निःशुल्क गरबे का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण लेने सैकड़ों की संख्या में महिलाएं प्रतिदिन प्रशिक्षण स्थल में पहुंच रही है। पिछले 18 वर्षों से स्मृति गृह निर्माण समिति के बैनर तले सार्वजनिक नव दुर्गा उत्सव एवं दशहरा समिति द्वारा नवरात्रि पर्व में क्षेत्र की महिलाओं और युवतियों की मांग पर गरबे का प्रशिक्षण आयोजित किया जाता रहा है, जिसमें प्रतिदिन सैकड़ों महिलाएं शामिल होती आई हैं। इस वर्ष भी स्मृति गृह निर्माण समिति के अध्यक्ष राजीव चौबे द्वारा परंपरा को कायम रखते हुए गरबे का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में रास गरबे में माहिर प्रशिक्षित कलाकारों द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में स्मृति नगर सहित अन्य वार्डों से आई महिलाएं शामिल होकर गरबे का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। रास गरबे के प्रशिक्षण सहित अन्य आयोजनों की जानकारी आरती अरोड़ा, डॉक्टर रश्मि शुक्ला और सुरेखा संजय बर्नाड ने दी। विगत 18 सालों से ये समिति जो है निरंतर काम कर रही है या आयोजन कर रही है, और जब स्टार्ट हुआ था तो बहुत ही छोटे स्तर पे, बहुत ही कम महिलाओं और कम भागीदारी से स्टार्ट हुआ था, पर आज की डेट पे देखने लायक तो आपको खुद ही देखने को मिल रहा होगा कि बहुत ज़्यादा रौनक है, बहुत महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया है और निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है गरबा का 10 दिन का, और आने वाले समय में इसे और भी बढ़ाने का हमारा संकल्प है। और सबसे ज़्यादा जो इसमें योगदान रहा है वो हमारे संयोजक श्री राजीव चौबे जी का रहा है, जिनके वजह से ही हम लोग ये सारे कार्यक्रम को अच्छे से कर पाए। पिछले 18 वर्षों से ये समिति गठित है स्मृति नगर की, और बहुत ही उमंग हर्षोल्लास के साथ ये फेस्टिवल मनाया जाता है। जैसा कि हम सबको पता है, विक्रम संवत हिंदू लोगों के अकॉर्डिंग न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है, ठीक उसी हर्षोल्लास से हम सारी महिलाएं, बच्चे सब लोग यहाँ गैदर्ड होते हैं और कुछ नए कंसेप्ट पे हर बार क्रिएशन लेते हुए, और जितने भी हमारे इंस्ट्रक्टर आते हैं वो हमें बहुत प्रॉपर गाइडेंस देते हैं और हम सब लोग बहुत एनर्जेटिक होकर के ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि डे बाई डे ये जो हमारी समिति है वो कुछ ना कुछ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट फीमेल्स को एज वेल एज स्टूडेंट्स किड्स सब लोग को माइंड करते हुए कुछ अच्छा डेवलपमेंट करेगी। और जैसा कि हम सबको पता है, सब चंडी यज्ञ वगैरह भी यहाँ होना है और दुर्गोत्सव का सेलिब्रेशन, बच्चों के कार्यक्रम हैं, रंगोली मेहंदी कॉम्पिटिशन्स भी हैं, इसके साथ साथ डे बाई डे 5th, 6th, 7th, 8th डे में डांडिया कॉम्पिटिशन्स भी हैं, सेपरेट कॉम्पिटिशन भी हैं। और यहाँ आनंद नगर, पुष्पक नगर, स्टील कॉलोनी, सारी जगह की महिलाएं और बच्चे सभी गैदर्ड होकर जाते हैं। स्मृति नगर नॉट ओनली फॉर द स्मृति नगर बट ओनली इट इज़ फॉर द आनंद नगर, पुष्पक नगर, विद्या विहार एज वेल एज स्टील कॉलोनी, प्रोफेसर कॉलोनी, सारे लोग गैदर्ड होकर के हम लोग मिलकर के सेलिब्रेशन करते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि डे बाई डे ये प्रोग्रेशन बढ़ता जाए, इसी के साथ मैं स्मृति नगर सोसाइटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, स्मृति नगर सोसाइटी के तत्वावधान में ये समिति गठित की गई है और विगत 18 वर्षों से यहाँ पर इसी हर्षोल्लास से हम मना रहे हैं। यहाँ पर ये बात मैं बताना चाहूँगी कि ट्विन सिटी में पहले गरबा का कॉन्सेप्ट महज गुजराती समाज तक सीमित था। स्मृति नगर सोसाइटी के इस दुर्गोत्सव समिति ने निश्चय किया कि हम लोग यहाँ पर गरबा करवाएंगे, तो मुझे बहुत गर्व हो रहा है ये बताते हुए कि स्मृति नगर सोसाइटी का ये दुर्गोत्सव एवं दशहरा समिति ही पहली ऐसी समिति है जिसने गरबा को सार्वजनिक रूप से नॉन गुजरातियों के लिए भी ओपन फॉर ऑल ये कंसेप्ट लेकर यहाँ पर गरबा का प्रोग्राम शुरू किया। और इसके लिए प्रशिक्षण तो हम विगत 18 वर्षों से 1 सप्ताह 10 दिन देते ही आ रहे हैं, इस बार हम लोग निःशुल्क 10 दिन का प्रशिक्षण दे रहे हैं। गौरतलब है कि स्मृति गृह निर्माण समिति के अध्यक्ष राजू चौबे द्वारा क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक धार्मिक गतिविधियों का आयोजन करने के साथ साथ खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी समय समय पर किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते आए हैं। अब नवरात्र पर्व के दौरान स्मृति नगर में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन भी किया जाएगा। आइए देखते हैं रास गरबे की कुछ खास झलकियाँ। 3, 4, 5, 6 and 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 1, 2, 3, 4, 5, 2, clap and back.
क्लैप एंड बैक, एक बार और, फाइव एट वन टू वन एंड बैक टू एंड बैक, समझ आया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।